नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विशाल डिजिटल यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विशाल सरकार और दोस्तों इस वीडियो में हम एक काफी अच्छी चीजें के बारे में जानेंगे कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको अपने फोन के साथ कभी भी करना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे आपके फोन को कई ज्यादा नुकसान हो सकता है, कई ज्यादा खतरा हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, पहली जो चीज जो आपको अपने फोन के साथ कभी भी नहीं करना चाहिए वो ये है कि अगर आपका फोन चल रहा है ऐसे में ऑन है और आप अचानक से अपने बैटरी को निकाल देते हैं तो ये बहुत ही ख़राब चीज़ होती है आपके फ़ोन के लिए, क्योंकि ये जो सिस्टम है आपको फ़ोन को पहले शटडाउन ही करना चाहिए, उसके बाद अपनी बैटरी को आपको निकालना चाहिए। क्योंकि देखिए, फ़ोन ऐसे में आपका चल रहा है और सारे सिस्टम ऐसे में चल रहे हैं, लेकिन अगर अचानक से आप बैटरी को खींच देंगे तो वो सिस्टम अचानक से रुक जाएगा, आपका फ़ोन इस ऐसे में क्रैश भी हो सकता है और काफ़ी सारे आपके फ़ोन को नुकसान हो सकता है। तो हमेशा अपने फ़ोन को प्रॉपर शटडाउन कीजिए, उसके बाद ही अपने बैटरी को निकालिए। दोस्तों दूसरी जो चीज़ आपको अपने फ़ोन के साथ नहीं करना चाहिए वो ये है कि कई लोग क्या करते हैं, मैंने मतलब अक्सर देखा है लोगों को कि ऐसे ही रिसेंट ऐप्स में जाते हैं और सारे जो ऐप्स हैं वो क्लियर कर देते हैं, सोचते हैं क्या है भाई, मेरा बैटरी बच जाएगा, मेरा रैम बच जाएगा, रैम क्लियर हो रहा है, पता नहीं और क्या क्या। लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। एंड्रॉयड ऐसे ही बनाए क्योंकि वो जो रिसेंट पेजेस में ऐप चल रहे होते हैं, अगर आप मतलब मान लीजिए आपने थोड़ी देर पहले YouTube पर वीडियो देखा, आपको 10 मिनट बाद आप फोन कब रख दे रहे हैं, ठीक है, और 10 मिनट बाद आप फिर से YouTube पर वीडियो खोलने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि आपको फ़ोन का ज़्यादा पावर नहीं लेता। अगर आपके रिसेंट पेजेस में वो YouTube पहले से था तो आप जैसे YouTube पर क्लिक करेंगे, आपने जहाँ तक YouTube को मतलब वीडियो देख के छोड़ा था वहीं से आपको ऑन हो जाएगा। तो क्या होगा कि आपका फ़ोन का जो बैटरी है वो भी बचेगा और आपका फ़ोन का जो प्रोसेसर है वो भी, उसको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, तो ऐसे में आपका फ़ोन सेफ रहेगा। लेकिन कई लोग क्या करें, रिसेंट पेजेस में जाते हैं, हमेशा ऐसे ऐसे करके ऊपर नीचे राइट दाएँ बाएँ कहाँ कहाँ मतलब हाथ मारते रहते हैं और वो जो ऐप्स है वो सब कुछ निकालते रहते हैं, तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। मैंने आपको बता दिया क्यों। दोस्तों तीसरी जो चीज़ आपको अपने फ़ोन के साथ कभी भी नहीं करना चाहिए वो ये है कि अगर आप कोई एंड्रॉयड के यूज़र है तो आपको गूगल प्ले स्टोर के सिवा कहीं से भी ऐप नहीं लेना है, और अगर आप एप्पल के यूज़र है तो आपको ऐप स्टोर के सिवा कहीं से भी अपने सॉफ्टवेयर और ऐप्स जो गेम्स जो होते हैं वो आपको नहीं लेने। क्योंकि बहुत सी यूज़र्स ये गलती करते हैं कि वो लोग गूगल पर ऐसे सर्च करते हैं कि ये ऐप वो ऐप, जहाँ पर वो उन लोगों को कुछ पेड ऐप्स भी है जो उनको फ्री में मिल जाता है, या फिर कोई ऐसा गेम जो इंडिया पर रिलीज़ ही नहीं हुआ है, चाइना पर चलता है, वहाँ से वो ले लेते हैं। मैंने ऐसे कई सारे वीडियोस भी देखे हैं जो उन लोगों को बताते हैं कि गूगल से किस तरह से .apk फाइल्स लेना है, मीडिया फायर से वो लोग ऐप्स लेते हैं, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। देखिए, आपका यूज़ के लिए प्ले स्टोर और ऐप स्टोर बनाए हैं, वहाँ से आप लीजिए। तो जैसे ही आप बाहर से कोई भी ऐप लेते हैं तो ज़्यादा चांसेस आपके बढ़ जाते हैं कि आपके फ़ोन में कोई मॉलवेयर और जो वायरसेस है वो आ जाए और आपके फ़ोन को नुकसान कर जाए। दोस्तों चौथी जो चीज़ है जो आपको अपने फ़ोन के साथ कभी भी नहीं करना चाहिए वो ये है कि तरह तरह के जो एप्लीकेशन आते हैं, सी क्लीनर, रैम बूस्टर, रैम क्लीनर, पता नहीं तरह तरह की क्या चीज़ें ऐसे करके आप लाते हैं, रॉकेट उड़ जाता है, पता नहीं और क्या क्या, उन सब चीज़ों को आपको अपने फ़ोन में कभी भी इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपका फ़ोन का दिमाग है वो मतलब ऐसे में वो फ़ोन समझता है कि कब रैम को क्या करना चाहिए, क्या कब बैटरी को किस तरह से ऑप्टिमाइज करना होगा। ऐसे में आपको थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके फ़ोन को ज़्यादा मतलब पावर देना पड़ता है उस ऐप के पीछे, तो आपका फ़ोन को ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो आप ऐसा थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर कभी भी इस्तेमाल मत कीजिए, और बैटरी सेवर करके भी कई सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, आपको बिल्कुल भी उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं आपको बता दी क्यों। और दोस्तों अगली जो चीज़ है जो अगर आप एंड्रॉयड यूज़र है तो आपके लिए खास करके ये चीज़ है कि आपको एंड्रॉयड डिवाइस में कोई एंटीवायरस ही नहीं चाहिए। जी हाँ, अगर आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो कोई मतलब बनता है कि हाँ कंप्यूटर में एंटीवायरस की ज़रूरत होता भी है और चाहिए भी होता है। लेकिन अगर आप एंड्रॉयड के यूज़र है तो एंड्रॉयड में सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन आपको मतलब जब नया फ़ोन हम खरीदते हैं तो दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ लगा रहता है कि भाई एंटीवायरस लेना पड़ेगा, और कई कई लोग तो 360 सिक्योरिटी वगैरह सबको इंस्टॉल कर लेते हैं, दुकान से एंटीवायरस खरीदते भी है। तो मैं आपको बता दूं कि एंटीवायरस आपके फ़ोन में 2400 घंटे चलते रहते हैं, जो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो बैटरी कंजप्शन है वो तो बहुत ज़्यादा होता ही है, और आपके रैम और प्रोसेसर के ऊपर भी ज़्यादा प्रेशर आता है, जिससे जो कि आपके फ़ोन के लिए ठीक नहीं है। आप अपने फ़ोन को अच्छा करने की वजह उल्टा आप उसके ऊपर बुरा कर रहे हैं, बुरा असर पड़ रहा है आपके फ़ोन के ऊपर, तो ये चीज़ें आप मत कीजिए। अगर आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो आप एंटीवायरस लीजिए, लेकिन अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है एंटीवायरस की। दोस्तों अगली जो चीज़ जो आपको अपने फ़ोन के साथ मतलब कभी भी नहीं करना चाहिए वो ये है कि आपको कभी भी अपने एंड्रॉयड डिवाइस को रूट नहीं करना। जी हाँ, रूट अगर आप कर देते हैं तो आप ऐसे ना जाने कितने कितने सॉफ्टवेयर, कितने कितने एप्लीकेशन को परमिशन देते थे रूट एक्सेस के लिए, और उससे अगर आप अपने फ़ोन में अगर आप एक बार घुसा देते हैं तो फिर उसको निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आपको अपना पूरा फ़ोन को फ्लैश करना पड़ता है, आपका डाटा फैक्ट्री रिसेट करना पड़ता है, पता नहीं तरह तरह की चीज़ों को करना पड़ता है, फिर भी बहुत सारे
ऐसी चीजें होता है जो आपके फोन से कभी भी नहीं हटते, तो प्लीज आप अपने फोन को बिना जाने रूट मत कीजिए, क्योंकि रूट करने से आप बस आप फंस जाएंगे। तो दोस्तों बस यही थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर कोई आपको लगा हो कि मैं कोई भी टॉपिक छूट गया तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो में उसको कवर कर पाऊँ। तो दोस्तों आपके लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, अगर कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।